हेलो एवरीवन। तो अगर हम आज से कई साल पीछे जाएं तो हमें वो व्यक्ति देखने को मिलेंगे, वो इंसान देखने को मिलेंगे जो कि आज के इस सोशल मीडिया से, आज की इस टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से वंचित थे और वो एक नेचुरल लाइफ जी रहे थे। लेकिन अगर हम समय में आगे आए, आज के समय पे आ जाएं तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है ये सोशल मीडिया, ये टेक्नोलॉजी, और इसकी वजह से काफ़ी सारे फायदे तो मिल ही रहे हैं, इसके काफ़ी सारे एडवांटेज तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी एक डार्क साइड भी है और इसकी वजह से इंसानों को नहीं बल्कि और भी कई सारी चीज़ों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आज हम इसकी यही डार्क साइड को देखने वाले हैं, प्लस इसका सोल्यूशन भी जानेंगे। हर बार होता यह है कि जब मल्टीपल सोल्यूशन आपको किसी प्रॉब्लम का मिलता है तो आप उसका सोल्यूशन, यानी सही सोल्यूशन जो है उसको नहीं ढूंढ पाते हैं और इसकी वजह से कोई भी सोल्यूशन अप्लाई नहीं हो पाता है। लेकिन आज आपको इसका एक ही सोल्यूशन मिलेगा और उसको अप्लाई करके आप इसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं और इससे आपको एक काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा जानते हैं। तो हम इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे और उस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर होगा वो कोई इमेजिनरी गट्टू नहीं होगा, बल्कि वो कैरेक्टर होंगे आप खुद। तो मान लीजिए आप एक बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और आप सोशल मीडिया के जरिए करोड़ों रुपए एक महीने के अंदर कमाते हैं और आपकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है। आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बनाते हैं और उसी के चलते आप दुनिया को घूम रहे हैं। अब मान लीजिए काफी सारे लोग हैं जो आपको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं और आपकी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देख भी रहे हैं, तो हो सकता है नहीं बल्कि ये होगा कि उनके मन में ये विचार आएगा कि इसकी लाइफ तो कितनी ज्यादा बढ़िया है, हमसे तो काफी ज्यादा बढ़िया है। मैं तो अपना पूरा दिन एक कमरे में काट देता हूँ और ये व्यक्ति पूरी दुनिया को घूम रहा है, मजे भी कर रहा है और इस मजे करने के लिए उसे पैसे मिल रहे हैं। मतलब ऐसा विचार आता है और इसके चलते आप ही नहीं बल्कि काफी सारे लोग अपने आप को काफी ज्यादा छोटा महसूस करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि वो बहुत ही नीच हैं, बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं, बल्कि असली में ऐसा नहीं है। एक स्टडी के मुताबिक ये बताया जाता है कि कोई दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति मंथली कमाता है सिर्फ 8,000 रुपए और दूसरा व्यक्ति है वो कमाता है यहीं पे 8 करोड़ रुपए। तो आपके मुताबिक कौन ज्यादा खुश होना चाहिए? क्या वो खुश होगा या ये खुश होगा? अगर हम इसको एवरेज माने ना तो दोनों की खुशी इक्वल रहती है ज्यादातर केसेस में, और कई केसेस में ऐसा भी होता है कि उसकी खुशी कम रहती है और इसकी खुशी काफी ज्यादा रहती है। क्योंकि जैसे जैसे इंसान बढ़ता चला जाता है, वो चाहे फाइनेंशली हो या फिर और भी किसी चीज में हो, कहीं ना कहीं उसकी सोच भी डेवलप होती है और उसी तरीके से उसकी डिमांड्स भी बढ़ती हैं। और जब उसकी डिमांड्स बढ़ती हैं तो उसके चलते उसको उतनी ही खुशी मिलती है जितनी खुशी एक छोटे व्यक्ति को मिलती है और एक बड़े व्यक्ति को। छोटा बड़ा से मेरा मतलब है कि फाइनेंशली और किसी सेक्टर में हम बात नहीं कर रहे हैं। हाल ही में एक स्टडी हुई थी 2018 में और उससे ये पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अपने टाइम को 3 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया को देता है तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर केसेस में वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अकेलेपन का शिकार होता है। उसके अंदर आत्मविश्वास की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है और इसी के चलते वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता है। कई केसेस में ऐसे व्यक्ति सुसाइड करने का भी सोचते हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा गहराई से समझे ना तो जो भी वीडियोस आप देखते हैं, जो भी पोस्ट आप फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं वीडियोस, तो कहीं ना कहीं वो हाईली फिल्टर्ड फोटोज होती हैं, यानी कि असली में वो इतनी अच्छी नहीं है, वो वीडियोस असली में इतनी अच्छे नहीं है। यानी अगर मान लीजिए कोई भी ट्रैवलिंग ब्लॉग बना रहा है तो हो सकता है वो जगह वाकई में इतनी सुंदर ना हो, लेकिन एडिटिंग की वजह से और भी कुछ फिल्टर की वजह से वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मान लीजिए कोई व्लॉगर है और वो व्लॉग बना रहा है एक बीच का और वहां पे आपको दिखा रहा है कि ये कितना अच्छा बीच है वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन वहां पे एक और डार्क रियलिटी ये भी है कि हो सकता है वहां पे काफी ज्यादा गर्मी हो और इसी के चलते वो अंदर ही अंदर घुटा जा रहा हो, यानी अंदर अंदर ही परेशान है, लेकिन अब वीडियो बनानी है तो बाहर से दिखाना पड़ता है। हो सकता है वो पैसे तो काफी अच्छा कमाता हो लेकिन वो काफी ज्यादा दुखी हो, क्योंकि एक जो क्रिएटर होता है, जो कि काफी बड़े क्रिएटर्स होते हैं,
वो कहीं ना कहीं अपना ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे देते हैं और उसके चलते वो भी काफी ज्यादा डिप्रेस रहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि अगर इस सोशल मीडिया के इतने सारे डिसएडवांटेज ही हैं तो आखिर लोग इसे यूज क्यों करते हैं। तो इसका मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसे भली भांति समझते हैं। आप ये भी जानते हैं कि इसके एडवांटेज भी काफी सारे हैं। अगर आज इसे हमारी जिंदगी से लाइफ से अलग कर दिया जाए तो आप इमेजिन ही कर सकते हैं कि वो कैसा टाइम होगा। इसके चलते एक नुकसान ये भी हो रहा है कि जितने भी लोग इसे यूज कर रहे हैं, खासकर टीनेजर, वो कहीं ना कहीं इसे इस मात्रा में यूज कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो इसे एकदम एडिक्टेड हो चुके हैं कि रात में सोने से पहले इस चीज को यूज करेंगे और इसी वजह से उनकी जो नींद है वो सही से पूरी नहीं हो पाती है। और इसी के चलते एक काफी अच्छी खासी डिजीज भी सामने देखने को आ रही है और वो है हमारी। तो अब मैं आपको वो एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ, वो एक तरीका बताने जा रहा हूँ, वो एक सलूशन बताने जा रहा हूँ जिसकी मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। और अगर इसे आप अप्लाई करते हैं तो आप काफी हद तक इस चीज को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं। ये कोई ऐरा गहरा तरीका नहीं बल्कि एक साइंटिफिक तरीका है और कई सारी स्टडीज के बाद इस चीज को यहाँ पर दिया गया है। तो इस स्टडी के मुताबिक ये पता चलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने फोन को डेली बेसिस पे जितने हावर यूज कर रहा है तो अगर वो डेली सिर्फ आधे घंटे कम करे ना तो उसके अंदर जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, जो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है जो कि ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं तो उसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक पॉइंट और ये निकल के आता है कि जरा आप सोचिए, जब आप इस मोबाइल से पूरी तरीके से दूर थे, इस इंटरनेट की दुनिया से पूरी तरीके से दूर थे, तब आप ज्यादा खुश थे। अगर आप उस टाइम को सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे आप ज्यादा हैप्पी थे एज कम्पेयर टू दिस टाइम। इसे कई सारे ट्रैवलर्स भी हैं, अलग अलग लोग हैं जो कि कई बार ऐसी जगह भी पहुंचे जहां पर इंटरनेट नहीं था, वो इस मोबाइल को यूज नहीं कर सकते थे और तब उन्हें रियलाइज हुआ, उन्हें पता चला कि बिना इंटरनेट के भी, यानी इस सोशल मीडिया से जब वो दूर रहते हैं तब भी उन्हें कितना अच्छा फील होता है। तो उस समय में और इस समय में ज्यादातर चांसेस है कि आपको इस समय में ज्यादा अच्छा फील होगा। बहरहाल आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सा भी सुझाव है तो उसे नीचे देना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ तब तक के लिए इस चीज का काफी ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसके चलते काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं।